जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जाहिर है ये जोड़े, खूबसूरत हसीन जोड़े काशिफ ने डिजाइन किए, इनका पूरा लुक काशिफ ने डिजाइन किया. आपको तो इतनी आसानी दे दी गई कि आपको सिर्फ मेकअप और हेयर डू तो करना था, आधे से ज्यादा काम तो काशिफ ने कर ही दिया था. पता है कि निदा, मैंने जो बताया कि मैंने कॉन्टेस्ट किया था, जो मैंने विन किया था 9 साल पहले, तो उसमें यही था कि 60s की थीम थी और मिलेनियम ब्राइड थी. तो ये ड्रेसेस अरेंज करना बड़ा मुश्किल काम है. अब इन कंटेस्टेंट को मुझे याद है कि अब इनको कोई आई एम श्योर की प्रॉब्लम नहीं हुई, आए या आकर आराम से उन्होंने कर लिया, अदरवाइज इनको एक दो दिन पहले से इनको मैनेज करना मुश्किल होता है वो सारी चीजें. अच्छा, ये जो ज्वेलरी है ये Z Sales कलेक्शन की ये ज्वेलरी है जो सब जिन्होंने हेल्प आउट किया है रानी बनाने में. Very nice. और कोहिनूर की ज्वेलरी है, कोहिनूर और Z Sales की ज्वेलरी है ये जी. काशिफ प्लीज आइए. फिजा, काशिफ और बनीता, जी हाँ बिल्कुल, आप तीनों प्लीज फैसला करके बताइए. और हमारी पब्लिक ने भी बहुत सारी बातें. अच्छा, मेरे हिसाब से तो सब कंटेस्टेंट अच्छा कर रहे थे, कुछ ब्लंडर्स हो गए जिसकी वजह से मेरे ख्याल में वो उनसे संभल नहीं सके. कोई दो लोग हैं जो मैं चाहूंगी सारी मॉडल्स जरा करीब आ सकती हैं प्लीज, सारी मॉडल्स, सिर्फ मुझे मॉडल्स चाहिए जो करीब करीब आ जाएं. निदा तुम भी आ सकती हो प्लीज, खड़ी हो जाओ और निदा काशिफ के बराबर खड़ी हो जाए आकर. निदा के लिए जगह दीजिए जी. वाइंड अप करना है हमें, कौन सी दो मॉडल्स ऐसी हैं जिनका मेकअप अच्छा नहीं हुआ और उनकी ब्यूटिशियन को यहाँ से चले जाना चाहिए? एक तो निदा. मैं तो सहर. सहर आप प्लीज इधर आइए, आई एम सो सॉरी जी. सहर साथ आइए. दूसरी सेकंड सादिया. सादिया इधर आइए, सादिया इधर आइए. आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, जितनी भी ब्यूटिशियन हमारे पास पहले आई है मैं इस दफा सबसे ज्यादा खुश हुई हूँ कि सब बहुत अच्छी थी. सादिया प्लीज अपने मॉडल के करीब आइए. लेकिन जो प्रोग्राम है और जो कंपटीशन है वो ऑब्वियसली रानी को फॉलो करना था. शायद आप उसे फॉलो करने में इतने कामयाब नहीं हो सके जितना बाकी कंटेस्टेंट ने फॉलो किया. उन्होंने ज्वेलरी सेटिंग वगैरह अच्छी की थी, कुछ एफर्ट्स अच्छी थी, मगर इनके लाइनर की शेपिंग, लैश लगाने की, शेड का इंतखाब ठीक नहीं था और हेयर स्टाइलिंग में बहुत इसका मतलब ये नहीं की ये दो कंटेस्टेंट आज जा रहे हैं यहाँ से तो कॉम्पिटिशन होते रहते हैं. आई एम श्योर अब ये नेक्स्ट टाइम दोबारा पार्टिसिपेट कर सकते हैं. जो भी इनकी वीकनेस थी वो इनकी बहुत बेटरमेंट हो चुकी होगी, अपनी गलतियों से दोबारा आ सकेंगे. गेटअप कॉन्टेस्ट था, थोड़ा सा मुश्किल था इनके लिए. हाँ, नहीं था ये कॉन्टेस्ट ही बड़ा मुश्किल. अपना सिग्नेचर मेकअप कर रहे थे कॉन्टेस्ट में, यू नो मेकअप कर रहे थे जो टाइमिंग इश्यूज होते हैं असल जो है ना, टाइमिंग इश्यूज होते हैं. ठीक है जी, थैंक यू सो मच. अगर आपको आज का शो पसंद आया प्लीज हमें एसएमएस करके जरूर बताइएगा. और क्या हमारा फैसला सही है कि सादिया और सहर यहाँ से जा रही हैं? आप लोगों ने भी बहुत सारे वोट्स दिए थे और बहुत एसएमएस भी आए हैं हमें, जो फोन जिनका नहीं मिलता वो एसएमएस करते हैं कि इन दोनों को चले जाना चाहिए. लेकिन बेस्ट ऑफ लक आप दोनों को अपनी जिंदगी में, अल्लाह करे. रोए नहीं, ये यहाँ आना ही एक बहुत बड़ी चीज है. रोए नहीं, पार्टिसिपेट करना है कॉन्टेस्ट में. बिल्कुल, एक बहुत बड़ी, ये बहुत अच्छा मेकअप करती है. ऐसा ना हो कि आप इनको कोई ताने तिशने दे, खबरदार किसी नंदवन ने ताना दिया इनको. बहुत अच्छी नहीं, रिलैक्स होकर बहुत अच्छा करती होंगे. आई एम श्योर अपने सलून पे टेंशन भी होती है इस वक्त, टेंशन भी होती है, मतलब ये गेटअप मेकअप है इसके लिए मुश्किल हो गया. वो देखो वो हंस रही है अपने हार पे, खुशी बना रही है. जी हाँ, मैं खुदाफिज कर रही हूँ, जरा इनको चुप करा रही हूँ, सारा ध्यान हमारा इसमें लग गया. आज हमारे साथ लेजेंड रानी बेगम थी, कल हमारे साथ कौन सी लेजेंड होंगी उस इंतजार के लिए कल का शो जरूर देखिएगा.